नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों आज की एक खबर सुन के आप बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि दोस्तों हमारे एमसीए की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो आज बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। देखिए दोस्तों, ये आप और हम सभी जानते हैं कि एमसीए फाइटर जेट में जो इंजन लगने वाला है वो भारत का तो इंजन है नहीं, वो खरीदा जाएगा अमेरिका से। अमेरिका की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक का एक इंजन है F414, इंजन खरीदने वाला था भारत और ये इंजन लगेगा हमारे एमसीए फाइटर जेट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक समस्या थी इस इंजन को लेके, जो इंजन था सिर्फ 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही उत्पन्न कर सकता था। कि इसके बावजूद भी भारत ने फ्रांस से डील कर ली है कि फ्रांस की सैफ्रान और भारत की डीआरडीओ मिलकर एक बेहद ही खतरनाक और एडवांस इंजन बना के तैयार करेंगे, ऐसा इंजन जो हमारे एमसीए मार्क 2 फाइटर जेट में भी लग सके। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ने भी भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे डाला है। ये ऑफर ये है कि आपको मैं बता दूं, भारत ने शुरुआत में जनरल इलेक्ट्रिक को एक ऑफर दिया था कि भारत और जनरल इलेक्ट्रिक तो साथ में मिलकर इंजन को तैयार करें, दोस्तों इसका को डेवलपमेंट भारत और अमेरिका दोनों मिलकर साथ करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका ने इसके लिए भारत को मना कर दिया था। अमेरिका ने कहा आपको जितने इंजन की जरूरत पड़ेगी मैं आपको उतने इंजन पर करूंगा, लेकिन हम और आप साथ में मिलकर इंजन नहीं बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे भारत का मकसद ये था कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर इंजन बनाएंगे तो उसकी कॉपीराइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सारा कुछ भारत को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका ने अब भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है। देखिए दोस्तों, भारत जो इंजन अमेरिका से खरीदना चाहता है, अमेरिका का F414 सिर्फ 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट ही उत्पन्न करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका एक और फाइटर जेट का इंजन तैयार करने जा रहा है जो लगभग 116 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को उत्पन्न कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये इंजन वही होगा लेकिन इसकी क्षमताओं को थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। ये इंजन कम से कम मैंने बताया कि 116 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को उत्पन्न कर सकता है। अमेरिका ने भारत को को डेवलपमेंट भी ऑफर दे दिया है और हो सकता है भारत को आईपी राइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे दे। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को अमेरिका के साथ ऐसी डील को फाइनल करना चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए।